अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी फ्राई फ़िश की रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले मैं फ़िश को वॉश करूंगी। फ़िश को वॉश करने के लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून पीसी हुई हल्दी, 1 टेबलस्पून नमक और 1 छोटी प्याली इसमें मैंने सरसों का तेल ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगी। फ़िश पे मसाला लगा के मैंने आधे घंटे के लिए उसे रख दिया है। तब तक मैं दूसरा मसाला तैयार कर लेती हूँ जो मैंने फ़िश पे फ्राई करने के लिए लगाना है। उसके लिए मैं यहाँ पे 1 छोटी प्लेट धनिया यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून पीसी हुई हल्दी एंड 1/2 टेबलस्पून नमक, आधा अदरक, 5 पीस लहसुन के, 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 3 अदद लीमू, 1 स्मॉल साइज़ का टमाटर, 9 अदद हरी मिर्च। लीमू को अलग कर देंगे और बाकी इन सब मसालों को मैं सिलवट्टे में अच्छे से पीस लूँगी। फिश को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब मैं इसके अंदर मसाला ऐड कर दूँगी। इसे मैंने सिलवट्टे में अच्छे से पीस लिया था और साथ ही मैं इसके अंदर लीमू का रस ऐड कर दूँगी और अब हम इसे अच्छे से लगा लेंगे फिश में। हाथ की मदद से ये अच्छे से जज्ब हो जाता है इसमें फिश में। मसाले को अच्छे से मैंने फिश पे लगा दिया है, अब मैं इसे 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद फिर मैं इसे फ्राई कर लूंगी। नॉन स्टिक पैन में मैंने 1/2 कप कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है और इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन की हुई है। अब मैं इसके अंदर पीसेस रखूंगी फिश के। कुकिंग ऑयल में मैंने इसकी एक साइड फ्राई होने के लिए रख दी है 3 घंटे के लिए। इसे मैंने पहले फ्रिज में रख दिया था ताकि इसमें जो हमने मसाला लगाया था इसको वो अच्छे से इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। अब कुछ देर बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। अब मैं इन पीसेस की साइड चेंज कर दूंगी। ताकि ये दूसरी साइड से भी फ्राई हो जाए। इसके नीचे मैंने फ्लेम लो की हुई है। अगेन मैं इसकी पहली साइड कर दूंगी। ये देखें तकरीबन पक चुकी है। मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी, अब ये तकरीबन बन के तैयार है। थोड़ी देर के लिए मैंने पहली साइड को भी थोड़ा सा और पकाया था, अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। आप इस तरह फिश को मसाला लगा के फ्रिज में रख सकते हैं और जब चाहे निकाल के फ्राई कर लें। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। इस तरह ही अब इन पीसेस को मैं फिर फ्राई कर लूँगी। फ़िश की रेसिपी बनके तैयार है, आप इसे ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं यहाँ फ़िश के साथ चटनी यूज़ कर रही हूँ, आप रायता, केचप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको मुनासिब लगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और वीडियोज़ आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।